दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल वॉर में यूं तो कई जवान लड़े थे और उनमें से कई जवानों ने तो अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। उन सब का बलिदान याद रखा जाएगा, लेकिन कुछ जाबाज ऐसे भी हैं जिन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता। और आज की कहानी एक ऐसे ही जाबाज की है जिसने युद्ध के दौरान अपने जिस्म पर 5 गोलियां खाई थी। आज कहानी एक ऐसे सूरवीर की है जिसे जीवित रहते महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज कहानी भारत माँ के उस बेटे की है जिसने दुश्मन का सिर काटकर उसके ऊपर तिरंगा फहराया था। 1999 कारगिल युद्ध। मई के महीने के पूरे होते होते हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने तोलोलिंग पहाड़ी पर घुसपैठ कर ली थी। वहां पर पूरे तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था। भारतीय सेना लगातार उस अहम पोस्ट को वापस लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये पहाड़ी भारतीय सेना के लिए हर तरीके से बहुत जरूरी थी। पर दिक्कत ये थी कि अब तक भारतीय सेना की 3 यूनिट वहां भेजी जा चुकी थी और इसी कोशिश के दौरान भारतीय सेना की इन तीनों ही यूनिट्स के कुल 68 जवानों को हमने खो दिया था। अब तोलोलिंग भारतीय सेना के लिए चुनौती बनता जा रहा था। फिर फैसला लिया गया कि अब तोलोलिंग को दुश्मन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन बटालियन राजपूताना राइफल्स को बुलाया जाएगा। लेकिन उस वक्त ये बटालियन वहां से 300 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा में मौजूद थी। फिर उसको वहां से द्रास सेक्टर बुलाया गया। जब ये बटालियन द्रास सेक्टर पहुंची तो सेना प्रमुख ने कर्नल रविंद्र नाथ से पूछा कि क्या कोई उसकी बटालियन में ऐसा फौजी है जो तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा फहरा सके। सामने बैठे फौजियों में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक से सबसे पीछे बैठे एक जवान ने हाथ ऊपर किया और एक दाड़ती हुई आवाज उस सन्नाटे को चीरते हुए सेना प्रमुख के कानों तक पहुंचती है। जय हिंद सर, कमांडो दिगेंद्र सिंह ऑफ कोबरा। इसके बाद कमांडोज को तैयार किया जाता है और फिर शुरू होता है ऑपरेशन विजय। जून 1999 में पूरी चार्ली कंपनी को तोलोलिंग फतेह करने के लिए भेज दिया। चार्ली कंपनी के जवानों ने तो तय किया था कि आसान रास्ते के बजाय दुर्गम यानी कि कठिन रास्ते से जाएंगे, क्योंकि अगर आसान रास्ता चुनते हैं तो सीधा दुश्मन के निशाने पर आ जाएंगे। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भारतीय जवान तोलोलिंग पहाड़ी के करीब पहुँच चुके थे। इस पूरी बटालियन में 10 कमांडो थे जो बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही इनका काम कवर फायर देने का था। लेकिन 12 जून को जब ये जवान तोलोलिंग पहाड़ी पर पहुंचे तो इनका सीधा सामना पाकिस्तानी सैनिकों से हुआ। लेकिन ये तो भारतीय सेना के जवान थे, पीछे कहां हटने वाले थे। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। लगातार भारतीय सेना के कमांडो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक एक करके कमांडो दिगेंद्र सिंह के 9 कमांडो साथी शहीद हो गए। लेकिन दिगेंद्र डटे रहे। उन्होंने दुश्मन का पहला टैंक उड़ाया, फिर एक एक करके उन्होंने दुश्मन के 11 बंकर ध्वस्त कर दिए, जिसमें पाकिस्तान के करीब 48 सैनिक मारे गए। लेकिन इस दौरान कमांडो दिगेंद्र सिंह के सीने व शरीर के अन्य हिस्सों में दुश्मन की 5 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। इसी बीच पाकिस्तान के मेजर अनवर खान का मुकाबला कमांडो दिगेंद्र सिंह से होता है। घायल शेर की तरह दिगेंद्र अनवर पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर बाद कमांडो दिगेंद्र सिंह अनवर का सिर काटकर उसी की मुंडी पर तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा फहरा देते हैं। उनके साथी सैनिक जब ये नजारा देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कारगिल युद्ध में ये भारत की पहली जीत थी। युद्ध के बाद कमांडो दिगेंद्र सिंह को राष्ट्रपति KR नारायण ने महावीर चक्र से नवाजा था। साल 2005 में महावीर चक्र विजेता कमांडो दिगेंद्र सिंह सेना से रिटायर हो गए। उरी हमले के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो बॉर्डर पर लड़ने जरूर जाएंगे। उनका कहना था कि जिस दिन युद्ध की घोषणा होगी वो अपना बिस्तर उठाकर अपनी बटालियन के पास चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक सूरवीर महापराक्रमी की कहानी जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही सूरवीरों की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।